अस्सलाम वालेकुम, मैं फहमीद, अपने रसोई में आपका स्वागत हूँ। आज हम बनाएंगे चने पालक बथुआ का साग, जिसके लिए हमने बथुआ पालक चना धो के काट लिया है। साथ साथ हम मक्की की रोटी बना रहे हैं। ये कटोरा हमने आटा ले लिया है, इसको हम मथ लेंगे। जिसके लिए हमने मसाले ले लिए हैं, ये हरी मिर्ची काटनी है, ये चम्मच नमक है, ये लहसुन की जगह है और ये अदरक है। गैस ऑन करके हमने पतीले में गिलास पानी रख लिया है। अब हम इसमें साग डाल देंगे और ये मसाले डाल देंगे। पहले मसाले डाल देंगे, मसाले डाल देंगे, अभी ये साग डाल देंगे इसमें और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। बोला है इसे और उबलने देंगे, तब तक हम इसके तड़के लगाने का सामान तैयार कर लेते हैं। साग हमारा बन के तैयार है, हम इसे ठंडा करके मिक्सर में पीस लेंगे और गैस बंद कर देंगे। साग हमारा पीस चुका है, अब हम तड़का लगा देंगे इसमें। तड़का लगाने के लिए साग में हमें ये मसाला चाहिए। हमने एक पोथी लहसुन काट लिया है, अदरक काट लिया है, ये हींग है, ये चार पांच लाल मिर्ची ले ली। जिसके लिए हमने आटा ले लिया है दो चम्मच। इसमें हम पानी डाल के इसको इसका आलन बना लेंगे और इसको साग में डाल लेंगे। इसमें थोड़ा फ्राई कर लेंगे, इसमें लहसुन डाल देंगे, इसको गर्म कर लेंगे, लहसुन डाल देंगे और गैस को कम कर देंगे। अब इसमें साग डाल देंगे हम। इसमें साग हमारा बन चुका है, हमने गैस बंद कर दिया है। ये अदरक डाल देंगे इसमें और इसको सर्व कर लेंगे। ये हम आटा इसमें डाल लेंगे। आटा हमने छान लिया है, इसको गर्म पानी में मथ लेंगे। ये हमने गर्म पानी कर लिया है, इसको मथ लेंगे हम, फिर इसकी रोटी बनाएंगे। इसको गर्म पानी में मथें, ठंडे में ये अच्छा नहीं मथा जाता ना, रोटी अच्छी बनती। इसे हम इस तरह से मथ लेंगे, हल्का हल्का पानी लगा के जितना मथेंगे इसमें अच्छी रोटी आएगी इसकी। अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। ये आटे के हमने गोले बना लिए हैं, तो हम इसकी रोटी बनाएंगे। साग से इसकी रोटी बहुत अच्छी लगती है। रोटी हमारी बन गई, हम तवे पर डाल दिए हैं हमने, इसको थोड़ा सिकने देंगे। इसी तरह से दूसरी तैयार कर लेंगे। रोटी हमने तवे पर डाल दी, अब इसे सिकने देंगे हम, फिर पलट देंगे थोड़ी देर बाद। किसी भी चीज़ से पलट देंगे, पलटे से थोड़ी सी हाथ से, इसे दो से तीन मिनट उधर से भी सेक लेंगे, फिर गैस पे सेक लेंगे। जैसे हम दूसरा पेड़ा बना लेंगे और इसकी भी इसी तरह रोटी बनाएंगे। और इसको इसी तरह से धीरे धीरे हल्का हल्का पानी लगा के बढ़ाएंगे, नहीं तो ये टूट जाती है, बहुत आराम से बनती है। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सेक लेंगे। इसे ज़्यादा तेज ना, देर तक ना सेकें, हल्की हल्की आँच पे सेकें, नहीं तो ये जल जाती है। साग और मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने में, आप भी हमारे तरह से बनाएं। हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से बना लेंगे और तवे पर डाल देंगे। तैयार हो चुकी है, हमने इसे तवे पर डाल दी है। दो मिनट तक इसको पका लेंगे, फिर सेक देंगे पलट के। सीख चुके हैं, अब हम इसको पलट देंगे। रोटी हमारी तैयार है, हम इसे भी इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है, तैयार हो चुकी है हमारी गर्मा गर्म मक्की की रोटी। तैयार है हमारा गर्मा गर्म साग, अगर हम इसको सर्व कर लेंगे। हमारा गर्मा गर्म चने का साग और मक्की की रोटी आप भी बनाएं, ट्राई करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।